पूरी ओस जम गई, इतनी ठंडी हो गई हमारी गाड़ी। तो अटेम्प्ट करो कुछ चीज़ को, और जब होगा नहीं होगा वो भाई मैटर नहीं करता, हम आए मैं उसी में मतलब खुश हूँ। आज मिल जाएगा भैया शाम तक? ये देख लो भाई, ऐसी ऐसी हमें प्रॉब्लम होती है, बट आप भाई लाइक नहीं करते चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे चले जाते हो। तो कोई बात नहीं, आपके लिए शूट करना हमारा फर्ज है, आप प्यार दो ना दो तो आप ऊपर है क्या। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो इस समय बज रहे हैं 10:30। तो इस समय बज रहे हैं 10, और 10 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे थे। तो जस्ट अभी हम उठे थे तो उठ के अपनी बढ़िया सी चाय पी रहे थे। तो ये रही भाई अपनी चाय। और भाई वहाँ पे हाँ नहीं, इसको नहीं मिलेगा भाई, इससे पहले इससे हम बाल मजदूरी करवाएंगे, उसके बाद से कुछ देंगे। बात तो सही है। तो भाई फाइनली हमने अपने मैंने अपना व्लॉग डाल दिया था। अच्छा, तो बस अभी उसका टाइटल वाइटल सोच रहा हूँ क्या डालना। चटक चूतिया। मैं के साथ साथ चाय एंजॉय करते हैं अपने व्लॉग। और भाई ये आरुष अपना टाइटल मेरे उस व्लॉग में अपना टाइटल लिखे जा रहा है। मैं लिख दिया आरुष जेशवाल क्लास 3। बहन दे टके टाइटल लिखा है। परम आ जा बेटा, ये तो वाली चाय है। ये देखना ऐसे परम को सुबह 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 क्या करते हो परम? क्या अरे इन्हें चाय क्यों दे रहे हो, इन्हें तो गर्म करके पानी दे दो बस। तो भाई अपना मैंने व्लॉग डाल रहा था, बस अपना नाश्ता करते हैं, फिर सोचते हैं, अब तक चाय पीते पीते सोच लो कि क्या टाइटल होना चाहिए, फिर अभी थोड़ा थंबनेल भी बनाना है। अरे इसमें देख तो लो किसमें सबसे ज्यादा है। क्या बोला तूने? किसमें सबसे ज्यादा चाय है। अच्छा मतलब वही डाल लूं भाई। ये देखना कैसे इस वाले में। अरे इस वाले में, अरे हम दोनों का ये है ना, तो इसमें है सबसे ज्यादा। ये क्या हो रहा है? अगर जिसने चाय खराब करी मुझसे सारे घर के बर्तन मजवाऊंगा। गजब बेइज्जती। सो भाई फाइनली अब हमें जाना है साइड पे। एक्चुअली क्या है कि साइड पे मशीन लेके जानी है, जो कि अपना ग्राइंडर, और अपनी जो मशीन जो पत्थर काटने वाली है, और ग्राइंडर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं सोच रहा हूँ साइड पे जाने से पहले उसको सही करवा दूँ। चलेंगे तो भाई अभी हम आए मुगल रोड पे अपना ये ग्राइंडर लेके, और एक्चुअली क्या है कि इन पे वाला ब्लेड है नहीं। आज मिल जाएगा भैया शाम तक? मंगल ब्लेड नहीं, ये चकनर क्या होता है, चकनर चाहिए हमें, ये खराब हो गया इसका। तो अब ये है कि इसके लिए दोबारा आना पड़ेगा, बट ये है कि इसमें ब्लेड चेंज हो रहा था, तो भैया क्या कर रहे हैं कि वो ब्लेड हमें चेंज करके दे रहे हैं, इतनी हमारी हेल्प कर रहे हैं वो। फाइनली भैया ने ब्लेड इसका चेंज कर दिया है, अब चलते हैं अपने साइड पे। और ये कह रहे भैया कि परसों मतलब ट्यूसडे को मिलेगा ये। ये मशीन वाला कट्टा है, इसे ले जा वहाँ पे रख दे, मिस्त्री को दे दियो। ये वाला नहीं, मशीन वाला वहाँ ऐसी जगह रखना यहाँ पे गीला ना हो, सही है, मशीन है उसमें। तो भाई हम करने जा रहे पंजा, और पंजे में जो हारा उसको पता क्या करना होगा, जो हारा चल इसको बिरयानी की रहती है, जो हारा उसको वो पूरा पूरे दिन वो ही काम करेगा जो बोलेगा, सही है। मामा जो बिरयानी होता है वो बिरयानी तो खाएगा पूरे दिन। ये तो आरुष तो वंश को रोस्ट करता रहता है। मुर्गा सूखी हड्डी होता है। वंश और आरुष एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, मजा आता है। फाइनली अभी हम आए थे अपने मेहर टॉकेज, और एक्चुअली क्या था कि हमें टाइमिंग पता थी कि मतलब 3:10, 3:20 पे शो छूटेगा, बट भाई आज शो जल्दी छूट गया। कितने बजे छूटा? 5 बजे। आज जो हो गया 2:45 पे ऑफ हो गया, तो फिर हमारा इतना आना दूसरे चैनल के लिए शूट करना बेकार होगा। तो अब देखने में आया कि अब दूसरा शो कितना बजे है। देख इवनिंग का है ये, नाइट में होगा। सो अब जो शो टाइमिंग है इसकी एक्शन, अरे 12 से 6:30 आ जा। अब जो दूसरा शो लगा है वो अपना है 9:30 का। 6:30 का है ना, वो मतलब वही नाइट में आना पड़ेगा। नाइट में आए क्या चला? कहाँ पे शुभी? नहीं यार भाई
नाइट में जो अब उसका होगा एक्शन हीरो का? नहीं नहीं नाइट में नहीं है, साढ़े छः से है, मतलब जो छूटेगा नाइट में तो 9 बजे छूट जाएगा है? नहीं 8:45 पे, 8:45। अच्छा उस समय लाइट होती है यहाँ पे ऐसे शूट हो जाए, होगी सही, रंग बिरंगी नहीं होगी, वैसी वाली है। हाँ हाँ मतलब तेज तो होगी ना। तो भाई चलो अब ये है कि नाइट में आना पड़ेगा हमें, क्यों नहीं भाई? देख लो भाई, ये देख लो भाई, ऐसी ऐसी हमें प्रॉब्लम होती है, बट आप भाई लाइक नहीं करते चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे चले जाते हो, तो कोई बात नहीं, आपके लिए शूट करना हमारा फ़र्ज़ है, आप प्यार दो ना दो वो आपके ऊपर है, क्यों? तो भाई ये तो चलो भाई चलते हैं, अब जब नाइट में मतलब 8 बजे हम आके इधर बैठ जाएंगे, 8 बजे आके बैठ जाएंगे, सही है? जस्ट मैं अभी घर आया था, और घर आती भाई मुझे एक्चुअली क्या है कि बहुत तेज़ भूख लगी थी रास्ते में ही, और फिर मैं क्या घर जाते ही कुछ खाएगी, बिकॉज मैं बाहर कुछ भी खाना इग्नोर मारता हूँ। तो मम्मी से बढ़िया मस्त बनाया चाय और पराठे। और एक्चुअली मुझे एक चीज़ क्या है कि मैं अभी अपना यूट्यूब लगाया था और मैं अपना व्लॉग देख रहा था जो मैंने मॉर्निंग में अपलोड मारा था, बट मैं देख नहीं पाया। इतने में क्या हो कि रियल शिट पे ना, रियल शिट का नया एपिसोड आया था आज, जिसमें अपना गेमर फ्लीट आया था भाई, तो बस वही एपिसोड देख रहा हूँ, ये देखो वही वाला। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, सो यार वही वाला एपिसोड देख रहा हूँ। तो यार इससे ये पता चलता है भाई, इतनी बातें सुनने के बाद, कि एक यूट्यूबर बनने के लिए भाई हम मतलब लोग पहुँच तो जाते हैं उस लेवल पे, बट उनके पीछे का कोई स्ट्रगल नहीं देखता, कोई ये नहीं देखता, लेकिन ये है भाई इस चीज़ में मतलब ये है कि यार आपको सपोर्ट करना चाहिए, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, ना नेगेटिव बोलना चाहिए ना कुछ बोलना चाहिए, बिकॉज हर किसी की अपनी अलग मेहनत होती है, और यही है। तो बस ये देख के अच्छा लगा, तो मैं सोचा आपको बताना चाहिए। 2000 years later. तो भाई फाइनली हम दोबारा महर आया शूट करने, जो मैंने आपको बताया था ना दूसरी वीडियो शूट करनी है, बट यार फिर से यहाँ पे आके ही जब हमने पूछा था ना, तब हमसे ये पूछा था, उन्होंने बोला था भैया लाइट वाइट सही होगी तो आपका शूट अच्छे से हो जाएगा, बट यार यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल सही लाइट नहीं है, मतलब कैमरा भी फेल हो गया, देखो बिल्कुल सही, जहाँ पे मतलब जहाँ से क्राउड निकलेगा उस साइड लाइट ही नहीं है, और दूसरी जगह लाइट है, तो उस पॉइंट पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सही प्रॉपर लाइट है, बट यहाँ पे लाइट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज सारा क्राउड यहीं से निकल के यहाँ से बाहर चला जाता है इधर से, तो उस साइड कोई क्राउड जाएगा ही नहीं। तो हमारी भाई हमारे साथ अब बीटी हो गई, क्या हो गई वंश? और भाई हम इतनी सर्दी में आया भाई, लिटरली हमारे हाथों की हालत बुरी हो गई, धुआं बहुत है, धुआं बहुत है भाई, तो ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, अपना हमने मतलब ये है ना, क्या बोलते हैं कि आप अटेम्प्ट करो किसी चीज़ को, और जब होगा नहीं होगा वो भाई मैटर नहीं करता, हम आए मैं उसी में मतलब खुश हूँ, और ये है भाई कि हम आए और हमने देखा, हमने कोशिश करी, आई नो वीडियो शूट नहीं हो पाई। A few moments later. एक्चुअली क्या है कि अभी हम जब शूट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे जो वो था जो मतलब पार्किंग पे लगवाता है, तो वो भाई आ गए, कह रहे भैया कैसे क्या हो गया, मैं कि ऐसे ऐसे हम शूट करने आए थे, तो उसने भाई ने एक लाइट तो जला दी, ये ट्यूबलाइट जला दी ऊपर वाली, अब थोड़ा बहुत देखो आ तो रही है, मतलब रोशनी आ रही है, बोलते हैं ना कि आप उम्मीद रखो कुछ भी हो सकता है, तो अब देख, तो हम शूट का वेट कर रहे हैं, और मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में शूट जो है शो मतलब ऑफ होने वाला है, तो खाने मोमोज नहीं भाई, मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि मेरा जो ये है जिसके लिए मैं आया वो शूट हो गया, नहीं तो भाई इस चक्कर में कल शूट नहीं हो पाता, कल और शूट नहीं हो पाता, तो फिर मतलब इसको मतलब ये होता है ना कि नई मूवी आई तो उस समय शूट हो, कुछ समय डले वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, अब अपना शूट तो हो ही जाएगा ना, तो हम अब वेट कर रहे हैं स्पाइसी हटके। भाई बाहर इतनी ठंड हो रही है ना, मतलब मैं कैमरा पकड़ा है ना तो ऐसे पकड़ा भी नहीं जा रहा, बार बार ऐसे जैकेट में हाथ डाल रहे हैं तो आप देख सकते हो फॉगी फॉगी भी अच्छा खासा फॉग हो रहा है इस समय। भाई फाइनली हमारे रिव्यू हो गए, और अगर आपको रिव्यू देखने का, आपको कैसे पता है कि वो दूसरा चैनल है रिव्यू विद भाटी यूट्यूब चैनल पे है, तो वहाँ जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चलते हैं भाई, मतलब ये है कि हमारा पहले हम सोच रहे आना बेकार होगा, बट नहीं हुआ बेकार, तो ये भाई ये देखो ये पूरी ओस जम गई, इतनी ठंडी हो गई हमारी गाड़ी, अब बैठो, क्या हालत होने वाली है, डर तो ये है यहाँ से घर कैसे जाएगी भाई, बहुत ठंड लगने वाली है, फिर तो और ठंड लगेगी, ये तो है। ऊपर ज़्यादा क्राउड है, चलो सही है। सो भाई अभी हमने यहाँ पे भैया से पता किया है, वो बता रहे हैं कि ऊपर ऊपर वहाँ पे लाइट है ना, वहाँ ऊपर ज़्यादा क्राउड है, तो आप वहाँ जाके एक बार शूट कर सकते हो, तो देखते हैं
अगर हुआ हो गया तो सही है, अपना ऊपर वहाँ पर कोने में आके खड़े हो जाएंगे हम। आ जा वंश, इस पॉइंट पे ले सकते हैं हम रिव्यू भाई, इस पॉइंट पे हम जाके रिव्यू ले सकते हैं। आ जाओ वंश, आ जल्दी, यहाँ ऑफ होने वाला है।